स्टूडेंट, दिस इज़ नेक्स्ट टॉपिक ऑफ यूनिट 4, साइन चेंजर। जैसा कि हमने इस यूनिट के पहले टॉपिक में पढ़ा था कि गेन ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ऑप एम्प क्या होता है, तो गेन वहाँ पे हमारे पास में निकला था ए इज इक्वल्स टू माइनस आर टू अपॉन आर वन। साइन चेंजर मतलब कोई भी हमने ऐसा इनपुट दिया है या हमारे पास में कोई एक ऐसा सिग्नल है जिसका हमें साइन चेंज करना है, तो उसके लिए साइन चेंजर का यूज़ किया जा सकता है। तो ऑप एम्प कैन बी यूज टू चेंज साइन ऑफ द इनपुट सिग्नल। साइन चेंजर कैन बी डिज़ाइंड यूजिंग इन्वर्टिंग ऑप एम्प। इन्वर्टिंग ऑप एम्प को यूज़ करते हुए हम साइन चेंजर को बना सकते हैं। तो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हमने इनपुट दिया है, सेम बाकी सारा सर्किट सेम है। आर वन इनपुट रेजिस्टेंस है, आर टू फीडबैक दे रहा है जो कि नेगेटिव फीडबैक है। हम नेगेटिव फीडबैक इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारा गेन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, उसको थोड़ा कम करने के लिए हम नेगेटिव फीडबैक का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर जो फीडबैक यूज़ हो रहा है वो वोल्टेज शंट फीडबैक है, ठीक है। तो द गेन ऑफ इन्वर्टिंग ऑप एम्प हम जानते हैं कि ए इज इक्वल्स टू माइनस आर टू अपॉन आर वन होता है, तो आर टू डिवाइडेड बाय आर वन। तो आउटपुट क्या हो गया, गेन को अपन क्या लिख सकते हैं, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो वी ओ अपॉन वी आई इक्वल्स टू माइनस आर टू अपॉन आर वन। अगर आर वन दोनों और आर टू दोनों बराबर हो जाए तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें कैंसिल आउट होकर माइनस वन आ जाएगा, तो आउटपुट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इनपुट। तो साइन चेंज हो गया, अगर हमारे पास में इनपुट में सिर्फ वी आई था तो आउटपुट में हमें क्या मिल गया, माइनस ऑफ वी आई। अगर इनपुट में माइनस ऑफ वी आई था होता है तो आउटपुट में हमें उसका वी आई मिल जाएगा। दस वी ऑप्टेन द इनपुट एट आउटपुट विथ इट्स साइन रिवर्स्ड। थैंक यू।